हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो ऑफ पोएम व्हाई। पोएम नेम इज व्हाई एंड हियर वी विल डू सम मोर एक्सरसाइज क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट, रीड इट। राम इज अ क्यूरियस लिटिल बॉय। बच्चों, राम एक क्यूरियस लिटिल बॉय है। ही इज ऑलवेज आस्किंग क्वेश्चंस। वो कुछ क्वेश्चंस पूछता रहता है हमेशा। One day he came home, एक दिन वह घर आया, and asked his grandfather questions like, उसने कुछ questions अपने दादाजी से पूछे। तो कौन से questions थे वो? Why can't we look at the sun during solar eclipse? जब सूर्य ग्रहण होता है तो हम सूर्य की तरफ क्यों नहीं देख सकते, सूर्य हमें दिखाई क्यों नहीं देता, ठीक है। Second question, why can't we touch the sun? हम सूर्य को टच क्यों नहीं कर सकते, हम सन को छू क्यों नहीं सकते। Why can't we go out to play in the dark? और हम डार्क में means अंधेरे में बाहर क्यों नहीं खेल सकते। तो वो कुछ ऐसे क्वेश्चंस अपने दादाजी से पूछ रहा था। तो चलिए हम उसकी हेल्प करते हैं और इन क्वेश्चंस के आंसर लिखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, Why can't we look at the sun during solar eclipse? सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य क्यों दिखाई नहीं देता? तो इसका आंसर है, We can't look at the sun during a solar eclipse because it hides itself behind the moon. हम सूर्य को सूर्य ग्रहण के समय नहीं देख सकते क्योंकि वह चांद के पीछे, चंद्रमा के पीछे छिप जाता है। Do you know the meaning of solar eclipse? क्या आपको पता है सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए बच्चों, ये है हमारी प्यारी अर्थ, हमारी पृथ्वी, और मून जो है अर्थ के चारों ओर राउंड राउंड चक्कर लगाता रहता है, रिवॉल्व करता है, ठीक है। और हमारी जो अर्थ है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है ना। तो ये है सन। सन की जो लाइट हमारी अर्थ पे आती है, तो जिस हिस्से पे, जिस हाफ पोर्शन पे लाइट सन की पड़ेगी वहां क्या होगा? डे। अदर हाफ पोर्शन जो पीछे छिप गया है वहां क्या होगा? नाइट, है ना। तो होता क्या है बच्चों, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा घूमते हुए, जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। मून जो है वो सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में आ जाता है। अब यहां पे देख सकते हो, अब यहां पे मून आ गया और मून क्या करता है, जो हमारे सन की लाइट है उसे ब्लॉक कर देता है, रोक लेता है ना। तो पीछे यहां पे क्या बन जाती है? शेडो। यू कैन सी द सन मून एंड अर्थ लाइन। सन, मून और अर्थ तीनों एक ही लाइन में आ जाते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, द मून कास्ट अ शेडो ऑन द पार्ट ऑफ अर्थ एज इट ऑर्बिट्स इनटू द सन अर्थ अलाइनमेंट। मून जो है सन और अर्थ के बिल्कुल बीच में आ जाता है और लाइट को ब्लॉक करके यहां पे क्या बना देता है? शेडो, ठीक है बच्चों। यहां पे एक नोट लिखा गया है, नेवर ऑब्जर्व अ सोलर एक्लिप्स विद द नेक्ड आई। हमें कभी भी नेक्ड आई से डायरेक्टली सन को नहीं देखना चाहिए। यू माइट डैमेज योर आईज। ऐसा करने से आपकी आईज जो है वो खराब हो सकती है, डैमेज हो सकती है। यहां पे भी आप देख सकते हो बच्चों, सेम फोटो है। यहाँ पे क्या है? सन है और मून जो है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और यहाँ पे मून जो है सन की लाइट को ब्लॉक करके, और यहाँ पे देखिए मून शेडो, चंद्रमा की शेडो यहाँ पे पड़ती है ना। और ये देखिए सन रेज, सूर्य की किरणें आ रही थी जिसे मून ने रोक लिया है बीच में, और यहाँ पे मून की क्या बनी है? शेडो। टाइप्स ऑफ सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स जो होते हैं सोलर एक्लिप्स, कुछ ऐसा होता है बच्चों, या तो वो पार्शियल होगा, हमें थोड़ा सा सूर्य दिखाई देगा, आप देख सकते हो बिल्कुल इतना सा हिस्सा हमें दिखाई देता है, या फिर वो हो सकता है एनुलर। एनुलर मींस बिल्कुल बीच में सूर्य के, चंद्रमा की शेडो दिखाई देगी हमें, है ना, और सूर्य का इतना बीच वाला पोर्शन हमें दिखाई नहीं देगा, ब्लैक दिखाई देगा। या फिर वो टोटल भी हो सकता है, कई बार क्या होता है वो उसकी फुल रेज को, सारी की सारी रेज को रोक लेता है और वो बिल्कुल ब्लैक दिखाई देता है। अभी रिसेंटली जो सोलर एक्लिप्स हुआ था उसमें
ऐसी पिक्चर दिखाई दी थी हमें सन की, इट इज कॉल्ड रिंग ऑफ फायर। ऐसा लग रहा है ना ये आग का कोई रिंग है। और कभी भी हमें सोलर एक्लिप्स देखना है तो स्पेशली डिजाइन सनग्लासेस होते हैं या फिर डार्क कलर के, वेरी डार्क कलर के जो सनग्लासेस होंगे वहां से भी आप सूर्य ग्रहण देख सकते हो। चलिए बच्चों टॉपिक पे आते हैं हम। Why can't we touch the sun? जो राम है वो ये क्वेश्चन भी तो पूछता था कि हम सन को टच क्यों नहीं कर सकते। तो we can't touch the sun because it is very far from us, क्योंकि यह हमसे बहुत ज्यादा दूर है, पृथ्वी से बहुत दूर है, इसीलिए हम उसे छू नहीं सकते। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। Why can't we go out to play in the dark? हम अंधेरे में बाहर क्यों नहीं खेल सकते? तो क्या आप बाहर खेलते हो? बट अंधेरे में आपको बाहर नहीं खेलना चाहिए, इसका कारण क्या है? We cannot see anything clearly in dark. हमें अंधेरे में कोई भी चीज साफ साफ नजर नहीं आती। And can even fall down while playing. और अगर हम ऐसा करेंगे यानी कि अंधेरे में अगर हम बाहर जाके खेलेंगे तो हम गिर सकते हैं और चोट लगवा सकते हैं, है ना? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, रीड कीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद वर्ड्स फ्रॉम द पोएम विच राइम विद द कलर्ड वर्ड्स इन द सेंटेंस। बच्चों आपको यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस नजर आ रहे हैं और यहाँ पे बीच में कुछ वर्ड्स जो हैं वो रेड कलर के आपको दिखाई दे रहे होंगे, वाई नो फाउंड सिंग। तो आपको यहाँ ब्लैंक स्पेस भी है ना, तो इस ब्लैंक स्पेस में आपको राइमिंग वर्ड फिल करने हैं। कौन से वर्ड्स के राइमिंग वर्ड? ये जो रेड वर्ड है इसका राइमिंग वर्ड यहाँ पे आपको फिल करना है। जैसे फर्स्ट में आपको करके दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वाई, क्या लिखा हुआ है, वाई, वाई इज द डैश सो हाई। तो वाई का राइमिंग वर्ड होता है स्काई, है ना, वाई का राइमिंग वर्ड स्काई, है ना। तो यहां पे मैंने यहां पे स्काई फिल कर दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डू यू नो द कलर ऑफ डैश, क्या तुम जानते हो कलर ऑफ डैश? तो यहां पे हमें राइमिंग वर्ड फिल करना है नो का। तो नो का राइमिंग वर्ड क्या बनेगा सोचिए, एक राइमिंग वर्ड मैं आपको बता देता हूं। नो का राइमिंग वर्ड बनेगा स्नो, क्या बनेगा, स्नो। तो मैंने यहां पे स्नो रख दिया, नो एंड स्नो। बच्चों राइमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं जिनके लास्ट डिजिट्स, लास्ट जो लेटर्स होते हैं वो सेम होते हैं, है ना। तो नो का क्या बन गया, स्नो। ऐसे ही फाउंड, तो फाउंड का राइमिंग वर्ड बन जाएगा साउंड। हैव यू फाउंड हु मेड द साउंड? नेक्स्ट, पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश यूअर, सिंक का राइमिंग वर्ड बताइए। यस, सिंक का राइमिंग वर्ड बनेगा ड्रिंक, क्या बनेगा, ड्रिंक। पुट द ग्लास इन द सिंक आफ्टर यू फिनिश यूअर ड्रिंक, जैसे ही तुम अपनी ड्रिंक फिनिश करोगे और ग्लास को कहां पे रख देना, सिंक में रख देना। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू, बाय बाय।